नमस्कार दोस्तों, कभी कभी आपके कंप्यूटर लैपटॉप की विंडो 10 में इमेज ओपन नहीं होती है। जैसे कि जहां पर मैं एक इमेज को ओपन कर रहा हूं, तो मुझे एक पॉपअप मेनू डायलॉग बॉक्स एक सामने आया छोटा सा, उसमें लिखा है फाइल एरर और कोष्टक डैश कुछ वर्ड लिखे हुए हैं कोष्टक ऑफ। तो ये इस तरह की एरर को कैसे फिक्स करेंगे आज हम कंप्यूटर लैपटॉप में, और कैसे हम अपने विंडोज के अंदर अपने जो इमेजेस यूज करते हैं उसको ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हम कुछ जाने अनजाने में कुछ फंक्शन को डीएक्टिवेट कर देते हैं जब हमें विंडोज अपडेट को बंद करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए अपन को जाना है सर्च बार में एंड यहाँ पे अपन को टाइप करेंगे सर्विसेज में आपके सामने इस सेटिंग ओपन होगी। आपको इससे इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर सर्विस आपके सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी, इसमें काफी फंक्शन आपको दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है विंडो लाइसेंस वाला फंक्शन डीएक्टिवेट है, अगर है तो उसे आप एक्टिवेट करेंगे। तो नीचे आएंगे अपन, एंड यहाँ पर विंडोज और आएंगे देखने, यहाँ पर विंडोज बैकअप, विंडोज सर्विसेज, बायोटिक, विंडोज, विंडोज डिफेंडर, विंडो फायरवॉल, विंडो इंक्रिप्शन एंड और आएंगे नीचे विंडोज इक्वेशन, विंडो लाइसेंस। दोस्तों जिस तरह का जो एरर आता है दोस्तों, ये ऑप्शन डीएक्टिवेट होने की वजह से आता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसको फंक्शन को यहाँ से ये देखिए डिसेबल है, आपको इनेबल करना है। तो सिंपल सा आप करेंगे इसको ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिक करने के बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, बस आपका हो गया काम। अब आप इमेजेस ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इमेजेस ओपन करता हूँ, तो देखिए इमेजेस आसानी से ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इमेजेस अभी सेटिंग ओपन की है, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली इमेजेस आ गई। तो इस तरह की कुछ एरर आ रही है आपको, तो आप एक बार चेक कर लीजिए विंडो लाइसेंस वाली को आपने डिसेबल तो नहीं कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल बने रही है।